सामने आए हैं और 3 की मौत हो गई है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, लगातार हिमाचल प्रदेश में केसेस ने रफ्तार पकड़ी है, क्या कुछ अपडेट? आदरण, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे तमाम चीजें खुलती जा रही, कारोबार बढ़ता जा रहा, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा शुरू कर दी है, वैसे वैसे मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 महीनों की बात करी जाए तो 2 महीनों में ज्यादा मामले बढ़े हैं, आप 17,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं और मंत्रिमंडल के ज्यादातर जितने भी सहयोगी हैं, मंत्री हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही में बीते शाम की बात है, हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जो 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 कोरोना का कहर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब तमाम चीजें खुल गई हैं, तमाम कारोबार जो जिसकी मुश्किलें पहले लोग बता रहे थे कि इसके चलते परेशानियां हो रही, मुश्किल हो रही है, कारोबार ठप हो गया है, रोजगार चले गए हैं, वो तमाम चीजें बहाल कर दी गई हैं। लेकिन अब जब सब चीजें बहाल हो गई हैं तो ऐसे में अब और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी त्योहारों का मौसम भी आ रहा। तो ऐसे में जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार कोशिश ये कर रही है कि लोग जी उमेश आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीते कुछ दिन पहले ये सामने आया था कि प्रशासनिक लापरवाही भी कुछ हद तक अब देखने को मिली है, क्योंकि लोग पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। प्रशासनिक तौर पर पहले काफी सख्ती थी, लेकिन क्या अब वो सख्ती बढ़ती जा रही है? बिल्कुल सही बात है, लोग जैसे जैसे ये कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, लोग उसके विपरीत व्यवहार करने लगे हैं। जो सैलानी बाहर से हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, आप देख आपको लगातार हमने दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है, जो सैलानी है या जो स्थानीय लोग है वो अब मास्क और जो जो 2 फुट की 2 गज की दूरी है उसका पालन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन फिर से द्वारा सख्ती करने के मूड में दिखाई दे रहा हो, लगातार इस तरह के मामलों को देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं और पुलिस प्रशासन है वो लगातार, राजधानी शिमला की बात करें बिल्कुल उमेश, पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है। अब चूंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अब अगर बात की जाए बाकी लोगों की ओवरऑल देखा जाए तो किस तरह के प्रबंध जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कोशिश करता जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, जागरूकता सबसे बड़ा इसका इलाज है, लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, लगातार हाथ धोने की जो प्रक्रिया है, जो मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी किया गया, और लगातार इसको लेके एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, हमारी सरकार से लगातार बात हो रही है, सरकार का यही कहना है कि लगातार इसके लिए प्रबंध कर रहे हैं, जहां जहां इस तरह की चूक हो रही है उसको रोका जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसको रोका जाए। लेकिन जरूर ये बात कही जा सकती है कि लोग भी अब जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है लापरवाही ज्यादा बढ़ रहे हैं और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रहे हैं। जी तमाम अपडेट के लिए उमेश बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में केसेस जरूर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हालांकि सख्ती जो प्रशासनिक स्तर पर कुछ दिन पहले नहीं देखने को मिल रही थी, फिर से कहा जा रहा है कि अब सख्ती और की जाएगी, और लोगों को खुद भी समझना होगा कि जो बाहरी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं वो तमाम प्रिकॉशंस लेकर चले। देश में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं, एक दिन में 723 मरीजों की मौत हो गई है, कुल मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कुल मरीजों की संख्या 72 लाख के पार हो गई है, अब तक 62 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं, देश में अब 8 लाख से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। आपको बता दें कि भारत पूरे देश में अगर देखा जाए ओवरऑल तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि रिकवरी रेट काफी अच्छा है, लेकिन केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जब तक पूरी तरह से जब से अनलॉक हुआ है तब से केसेस बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन अब ये एक अच्छी बात जरूर देखने को मिली है देश भर में कि अब रिकवरी रेट काफी अच्छा हुआ है और भी ज्यादा अच्छा हुआ है, मैक्सिमम केसेस रिकवर हुए हैं। अगर 72 लाख केसेस हैं, मरीजों की संख्या 72 लाख है, तो 62 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। वहीं पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब में 676 नए मामले आए हैं, 34 की मौत हुई है।